किसान आंदोलन का पंद्रवा दिन किसानों को सरकार के दूसरे प्रस्ताव का इंतजार केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानी का बड़ा बयान आंदोलन में बताया चीन और पाक का हाथ पीएम मोदी आज करेंगे नए संसद भवन का भूमि पूजन सीएम शिवराज होंगे वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से दी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और बधाई युवा कांग्रेस की वोटिंग भाई भतीजा आवाज शुरू दिग्विजय सिंह कमलनाथ की चाह विक्रांत जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी की पसंद संजय वानखेड़े की पसंद नितिन बंगाल में डॉक्टर मिश्रा ने दिया समरसता का संदेश पार्टी के आजा अनुसूचित जाति कार्यकर्ता के घर किया भोजन आज पहुंचेंगे दिल्ली शुक्रवार को होगी भोपाल वापसी कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की फिर उठी मांग राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा शीर्ष नेताओं का इस गंभीरता से लेना होगा पहले भी उठ चुकी है परिवर्तन की बात नमस्कार डीएनएन में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आज युवा कांग्रेस चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युवा कांग्रेस चुनाव की वोटिंग आज से शुरू हो गई है भाई भतीजा वाद शुरू हो गया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की चाह है कि विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बने वहीं जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी की पसंद संजय यादव हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विधायक वानखेड़े और कार्यकर्ताओं की पसंद देखी जाए तो नितिन त्रिपाठी है विपिन वानखेड़े ने नाम वापस ले लिया है और नितिन त्रिपाठी को समर्थन दिया है युवा कांग्रेस चुनाव के लिए आज से मतदान शुरू हो गए हैं हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे एनएसयूआई अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने विवेक त्रिपाठी को अपना समर्थन दिया है वानखेड़े ने अपना नाम वापस ले लिया है आपको बड़ी खबर बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं आज से ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो गई है ये वोटिंग 10, 11 और 12 दिसंबर को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगी तीन उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए तीन उम्मीदवारों ने नाम अपने वापस ले लिए लिए हैं हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज मतदान शुरू हो गए तीन उम्मीदवारों के बीच घमासान मचा हुआ है आज युवा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है विक्रांत भूरिया संजय यादव और नितिन त्रिपाठी इस लड़ाई में हैं मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया आपको बता दें विक्रांत भूरिया कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं आज युवा कांग्रेस के लिए चुनाव होना है पूर्व मंत्री लाखन यादव के भतीजे हैं संजय यादव आपको बताते चले कई नेता पुत्र इस चुनावी मैदान में हैं कई वंशवाद इस चुनाव में है एनएसआई के आम कार्यकर्ता हैं उम्मीदवार विवेक त्रिपाठी आपको बताते चले विवेक त्रिपाठी एनएसआई के आम कार्यकर्ता हैं हर्षद गुरु ने संजय यादव के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया है आपको बताते चले तीन प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं जिसमें हर्षद गुरु ने संजय यादव के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है वहीं अंकित ढोली विक्रांत के समर्थन में पीछे हट गए हैं आपको बताते चले अंकित ढोली ने विक्रांत के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया वहीं विपिन वानखेड़े ने विवेक त्रिपाठी को समर्थन दिया है और आज अपना नाम वापस ले लिया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युवक कांग्रेस अध्यक्ष के आज से चुनाव शुरू हो गए हैं विधायक विपिन वानखेड़े आपको बताते चले पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष है जिन्होंने अपना नाम वापस ले, लि -ले लिया है और वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कौशिक जुड़े हुए हैं जी क्या कुछ जानकारी है आज से युवा कांग्रेस के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं और देखा जाए तो आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव होना है लेकिन अभी देखा जाए तो कई लोगों ने नाम वापस ले लिए क्या कुछ जानकारी है देखिए आपसी सामंजस्य से, से यदि कोई नाम वापस लेता है तो एक तो पार्टी के लिए अच्छी चीज है और ज्यादा प्रतिस्पर्धा होनी भी नहीं चाहिए आ, बाकी बोटिंग शुरू हो रही है तीन, आ, तीन दिन है बोटिंग के लिए अलग अलग जिलों में आ, और होगी और जो भी निष्कर्ष होगा वो आपके सामने जल्दी आ जाएगा जी आ, देखा जाए तो नेता पुत्र या वंशवाद कहा जाए वो ज्यादा है जैसे भाई भतीज बात शुरू हो गया चुनाव में देखा जा रहा है तो क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस से ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा वंशवाद जैसे आप बोले या हम बोले वो तो भारतीय समाज का एक आईना है हमारे समाज में ही है हर हर व्यक्ति अपने पुत्र को ही अपनी जगह देना चाहता है तो वो तो समाज का है और वो चीज जो चीज समाज से वही राजनीतिक दलों में दिखेगी तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है लेकिन हाँ वंशवाद का जो एडवांटेज मिलता है वो उससे उस, उस एडवांटेज से जो एक आम कार्यकर्ता एक आम कार्यकर्ता उभर के नहीं आ पाता है पार्टी को इसमें समन्वय बनाना चाहिए बाकी बंस कोई कानूनी चीज तो है नहीं है लेकिन बंस जिन, जिनके जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक होती है वो कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ताओं पर हावी रहते हैं या एडवांटेज रखते हैं जी। उसको उसके बारे में पार्टी को निश्चय निश्चित तौर पे एक, 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 एक गाइडलाइन रखनी चाहिए कि नया कार्यकर्ता किस तरह उभर के आए जी लेकिन शैलेंद्र जो देखा जाए तो इसे फिर इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे कहा जाएगा क्योंकि कांग्रेस हमेशा से बोलते आई है कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव होना है तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा चुनाव तो निष्पक्ष है क्योंकि उसमें पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से उसके रिटर्निंग ऑफिसर बने हुए हैं और शिकायतें होती है उनका निराकरण हो रहा है सब कुछ टाइमिंग पे हो रहा है निष्पक्ष है लेकिन जो प्रक्रिया के चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है लेकिन चुनाव जो प्रक्रिया है वो अपडेटेड नहीं है पहली चीज दूसरी चीज जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं वो कांग्रेस में कितने सक्रिय हैं या उनकी जो मानसिकता है वो कांग्रेस के प्रति कितनी समर्पित है तो इसका जो आधार okay. है वो एक तो वो वो उसकी कोई और... उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं किया पार्टी ने तो तो जब आपका वोटर जो सक्रिय सदस्य हैं पांच हजार है दस हजार हैं बीस हजार है जिन लोगों ने भी बनाए ठीक है अब इतने सदस्य उन, वो कब सक्रिय रहे उनने कौन सा पार्टी के लिए काम किया कौन से आंदोलन किए तो जब निरंतर पार्टी सक्रिय होती है तब फिर एक ऑथेंटिक कार्यकर्ता ऊर्जावान कार्यकर्ता सामने आता है जी. अब ये लोग सक्रिय सदस्य के तौर पे निष्क्रिय सदस्य हैं अधिकांश लोगों का पता नहीं है फोन नहीं लगने हैं ठीक है औपचारिक है तो जब आपका बोटर और आपके सक्रिय सदस्य औपचारिक है तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया भी औपचारिक ही है जी तो मतलब ये चैलेंजी तो 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 माना जाए तो ये चुनाव भी मतलब औपचारिक ही है बिल्कुल ये पूरी तरह से औपचारिक है और ये इस 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 प्रक्रिया ने पिछले बार भी कोई नेतृत्व नहीं दिया ढंग ढंग से और यूथ कांग्रेस को कहीं पे भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रदान नहीं किया और निश्चित तौर पे पे हमें मतलब साफ तौर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता के लिए ये चुनाव कर रही है जिस तरह से पुरानी पुरानी वोटर लिस्ट है जिसको अपडेट नहीं किया गया दो तो साल बाद चुनाव होते हैं ठीक है और इतना लंबा थोड़ा चुनावी प्रक्रियाएं है होती हैं कि तीन तीन साल दो साल पहले आपकी वोटर तैयार हो जाए साल बाद हो, तो ये प्रक्रिया उतनी प्रभावशाली तो नहीं है। जी, ठीक है धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान ऑनलाइन प्रक्रिया के दौर तरीके से होंगे इस चुनाव में भाई भतीजावाद देखने को मिल रहा है ये चुनाव ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे 10 11 और 12 दिसंबर को ऑनलाइन वोटिंग की जाएगी युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तीनों दिन सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ये ऑनलाइन वोटिंग होगी जहां कई नेता पुत्र वंशवाद देखने को मिल रहा है भाई भतीजावाद देखने को मिल रहा है चुनाव में नौ प्रत्याशी चुनावी मैदान में है एक मतदाता को पांच मत देने का अधिकार है चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव लोकसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष महासचिव के लिए ये वोटिंग होना है शिवराज सरकार ने कटनी कलेक्टर और नीमच एसपी को हटा दिया है देर रात जारी हुए आदेश के तहत जबलपुर जिला पंचायत में सीईओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया गया है जबकि इंदौर हेडक्वार्टर में पदस्थ सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाया गया है सूत्रों का कहना है कि भारत बंद के दौरान कटनी में किसानों के आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी तो वहीं नीमच जिले में एक व्यापारी को फर्जी अफीम के केस में फंसाने के मामले को लेकर एसपी मनोज कुमार राय को हटाया गया है इसको लेकर भी सेम नाराज थे इसी के चलते दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी है फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की की मांग इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राज्यसभा सांसद ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है कहा शीर्ष नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा इसे गंभीरता से लेना चाहिए शीर्ष नेताओं को कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर चुके हैं आपको बड़ी खबर बता रहे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अब पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को बुलंद करने के लिए नेताओं में शुमार हो गए हैं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस ने अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई है शीर्ष नेताओं को इसे गंभीरता से सोचना चाहिए विवेक तनखा ने कहा विवेक तनखा ने कहा शीर्ष नेताओं को इस बारे में सोचना होगा तभी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएगी उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी होगा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राज्यसभा सांसद विवेक धनखा ने अब पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए नेतृत्व परिवर्तन अब जरूरी हो गया है शीर्ष नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विवेक तनखा ने पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है विवेक तनखा ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह की बढ़ोतरी करने के लिए कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है बड़ी खबर आपको बता रहे विवेक तनखा ने कहा शीर्ष नेताओं को इसे गंभीरता से लेना चाहिए कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है जिससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेगा बड़ी खबर आपको तो बता रहे हैं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मांग उठाई है इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेता नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विवेक तनखा ने पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है शीर्ष नेताओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए तभी पार्टी में मजबूती मिलेगी साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ेगा राज्य सरकार प्रदेश के चार लाख सैतालीस हजार अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार पदनाम देने जा रही है कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने के लिए नीति तैयार करने सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ये समिति पंद्रह जनवरी तक अनुशंसाएं शासन को सौंपी जाएगी जिसके अनुसार शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा बीते चार सालों में बगैर प्रमोशन के पचास कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए अक्टूबर 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश के आजादी की पचहत्तरवीं साल गिरा पर इसी भवन में सत्र का आयोजन हो सके आपको बता दें कि नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से तीन गुना ज्यादा होगा नए संसद भवन का डिजाइन एच सीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है पीएम मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे अक्टूबर 2022 तक निर्माण करने का टारगेट है ताकि पीएम मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे 2022 तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का टारगेट है मौजूदा संसद भवन के आ, से ये तीन गुना ज्यादा होगा कृषि कानून को वापस लेने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा बयान दिया है दानवे का कहना है कि किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया लेकिन जब वे इसमें सफल नहीं हुए अब तो अब कृषि कानून को लेकर किसानों का बरगलाया जा रहा है केंद्रीय मंत्री ने किसान आंदोलन के पीछे बताया पाक और चीन का हाथ कहा पहले मुसलमानों को और अब किसानों को बरगलाया जा रहा है केंद्रीय मंत्री राव का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे पाक और चीन का हाथ बताया पहले मुसलमानों को और अब किसानों को बरगला रहे हैं केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पाक और चीन का हाथ बताया है फिलहाल रुकेंगे एक से ब्रेक ब्रेक के के लिए जल्द हाजिर होंगे बाद स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की ओर मुख्यमंत्री निवास में निगम मंडल की सूची को लेकर मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से चर्चा की गई बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने बताया छत्तीसगढ़ में लगभग निगम प्राधिकरण और आयोग में हम लोगों ने जो चिन्हित किए थे वह बहत्तर से तिहत्तर के आसपास पास थे उसमें से कल और आज की हुई बैठक के बाद लगभग छप्पन सत्तावन निगम मंडल प्राधिकरण आयोगों में अध्यक्ष के नाम और उसके साथ साथ उपाध्यक्ष और अध्यक्षों के नामों पर लगभग अंतिम निर्णय ले लिया गया है ये बेहद बेबुनियाद और निराधार बातें हैं कल पूरे बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे उन्होंने अपनी ओर से भी कुछ नाम सुझाए प्रदेश के संगठन के जितने नाम आए थे उनको भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है आज अनुसूचित अच्छा जनजाति कुछ सम्मेलन बड़ा सम्मेलन था उसमें उनको जाना हुआ लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ माननीय मोहन मरकाम जी की सभी नामों में सहमति मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको डबरा से बता रहे हैं एक युवती के साथ चार युवकों ने दुष्कर्म किया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको डबरा से बता रहे हैं युवती को अगवा करके चार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया युवती थाने पहुंची जहां पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है युवती ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देर रात से युवती अपनी फरियाद लेकर दबरा के थाने में बैठी हुई है जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील राजावत डबरा से जुड़ गए हैं सुनील क्या कुछ जानकारी है युवती के साथ हैवानियत देखने को मिल रही है और फिलहाल उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है क्या कुछ जानकारी है ऋतिका जी मैं आपको बता दूँ ये आठ तारीख का मामला है एक युवती अपने मंदिर मंदिर पर जाती है मंदिर पूजन करती है मुझे करके जैसे ही बाहर निकलती है कुछ असमायित तथ्य लोग आते हैं उससे चार लोग आते हैं उसको लड़की जबरदस्ती फोर व्हीलर गाड़ी में बैठाते हैं और बैठा के एक अनजान जगह पर वहां पर जाकर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं दूसरी गौर करने वाली बात यह है इस घटना में कि पुलिस युवती थाने से आपकी आठ तारीख से लेकर अभी तक का फरियाद लगाती लेकिन थाना प्रभारी इसकी आनाकानी करते कहीं ना कहीं मीडिया सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि जिन पर जो युवती जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक को रसूल रखते हैं दूसरी तो बात यह है कि अभी मीडिया से जो उन्होंने इंसाफ की मांग की तो सुबह जाकर मीडिया पहुँचती है उनसे उनसे वार्तालाप करती है तब जाकर प्रभारी कहते हैं कि बिल्कुल हम इसको जांच करेंगे और अभी हमारे थाने पर कोई महिला अधिकारी नहीं जैसे महिला अधिकारी आती है जरूर हम युवती को इंसाफ दिलवाएंगे जी जी धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको डबरा से बता रहे हैं जहां एक युवती के साथ चार युवकों ने दुष्कर्म किया है वहीं युवती की थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही बनी रही हमारे साथ नमस्कार